मैंने लगता है तुसी अपनी जबान कारी बोला। अकल जी कमाल दा सेंस ऑफ ह्यूमर है ताड़ा। सेंस ऑफ ह्यूमर देना चंगा है कि 3 मिनट च ताड़ी ला पा के हाथ फड़ा देंगे। स्वीटी ने मैनू कहा कि तू मिलना चाहना है। ओ हाँ अंकल जी, असल च मैं ना सोच रहा सी कि चंगा लगा सुन के कि तुसी सोचते भी हो, वरना तेरे वर्गे मुंडे तेरे वर्गे कपड़े पा के डड्डू जिहा मूंह कड़के ते सस्ते जिहे हनी सिंह जे बन जांदे ने। लेकिन खैर, कसूर ताड़ा भी कोई नहीं, कसूर ही सारा कुड़ियां दा जिन्हां नूं तेरे वर्गे मुंडे पसंद ने। ते मजे दी गल, तेरे वर्गे मुंडिया कोलों उन्हां को कमिटमेंट भी चाहिए। जिहनूं वेख के ना मैनूं अपने स्वीटी बारे फिक्र होण लग पई। ओ अंकल जी, जदों कुड़ियां जवान हो जाण ते मापिआं नूं फिक्र हो ही जांदी। ओ नहीं ओ नहीं, मैनूं तां इह फिक्र लग गई है कि मेरी स्वीटी ने तेरे वर्गा मुंडा पसंद कीता। दसो यार, ओ की हो गया इस जनरेशन, मतलब हुण स्वैग ते मुंडे सिलेक्ट होण गए। अजाब ते असीं मां प्यो पास है ना, जिहड़ा तेरे वर्गे मुंडिआं नूं घर बुला के ते चाह पाणी पुछणा पै रिहा। ओ अंकल जी, हुण साडी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है ते की करिए। मेरी गल सुण ले कन्न खोल के, तूं इक नंबर दा लफंटर, आवारा ते पार्टी टाइप मुंडा। ते तेरी जिंदगी च जरूरत सिर्फ इन्नी है जिनी भंगड़े वाले गाने च ढोल लैण दी हुंदी है, ते जिंदगी कोई ढोल नहीं गा जदों तक तू कोई चज दा काम नहीं करदा। ते स्वीटी तेरे लिए एक हसीन ख्वाब है, ते ख्वाब कदी पूरे नहीं। एक आखिरी गल सुन लै मेरी, कान खोल के, मैं तेरे वास्ते कोई अंकल शंकल नहीं गा, गिल साहब बुलाते ने सब। ते ठीक है फिर गिल साहब, हुण गबरू कुछ बन के आएगा ते सूट थले बूट भी पाएगा, रोंदा चपली पान गिल साहब।